बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सईद टॉक्स। सो फाइनली टेक्नो पोवा 2 की अनबॉक्सिंग जो है वो आ चुकी है। अनबॉक्सिंग तो किसी और ने की, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेक्नो पोवा 2 की फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन। डिस्प्ले मर्तबा यार गेमर, खास तौर पर गेमर्स के लिए बहुत ही शानदार बनाया है दोस्तों। डिस्प्ले की वीडियो मैंने देख ली दोस्तों, तो मैंने सोचा यार कि अभी अगर ये टेक्नो पोवा लॉन्च हो दोस्तों, मैं अभी इसको खरीद लेता हूं दोस्तों। डिस्प्ले वाइज और बैक वाइज यार बहुत ही शानदार का होने वाला है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि टेक्नो पोवा 2 की कंफर्म स्पेसिफिकेशन क्या होगी पाकिस्तान में, इसकी कन्फर्म प्राइस क्या होगी और कन्फर्म लॉन्चिंग डेट इन पाकिस्तान क्या होगी, सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना, चैनल के ऊपर पहली मरतब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाना, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों डिजाइन वाइज बात करेंगे तो डिस्प्ले, यहाँ पर अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें पहले दोस्तों, तो डिस्प्ले इस मरतबा टेक्नो पोवा 2 में बहुत ही क्लियर और बहुत ही शानदार बनाया गया है। 6.9 इंच की यहाँ पर आपको फुल HD पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज तक आपको टच सैंपलिंग रेट, 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। यानी डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 2 गेमर्स के लिए एक तबाही का स्मार्टफोन है दोस्तों। यानी टच सैंपलिंग रेट, रिफ्रेश रेट जो है दोस्तों वो भी 90 हर्ट्ज का रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले, यहाँ आपको डॉट डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जो कि डिस्प्ले वाइज दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के मामले में आपको जो है वो खफा नहीं करेगी। अब अगर इसके क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस मरतबा टेक्नो पोवा 2 के जो कैमरा सेंसर दोस्तों उसको भी अपग्रेड कर दिए गए थे। बैक के ऊपर आपको 48 मेगापिक्सल तक आपको जो है वो मेन सेंसर मिलेगी अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, और एज अ डेप्थ सेंसर के लिए आपको जो वो 3 कैमराज आपको बैक के ऊपर दिए गए हैं। सेल्फी शूटर कैमरे की बात करें तो फ्रंट के ऊपर आपको सिंगल डॉट शक्ल में आपको 8 मेगापिक्सल तक आपको सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाती है। चिपसेट के बारे में बात करें, मीरेड के लिए G85 जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, 6GB रैम, 128GB की आपको बिल्ट इन स्टोरेज वाली वेरियंट जो दोस्तों आपको मिल जाएगी। यानी ये स्मार्टफोन एज अ हम कह सकते दोस्तों ज्यादा तौर पर ये स्मार्टफोन गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये स्मार्टफोन आने वाला है टेक्नो पोवा 2। बैटरी के बारे में बात करें, 7000mAh की बैटरी, 18W के फास्ट चार्जर विद टाइप सी की कनेक्टिविटी। 7000mAh की बैटरी यार बहुत बड़ी बैटरी है। यानी टेक्नो पोवा 2 इस मरतबा मतलब कि मार्केट को यहाँ पर बहुत जल्द कैप्चर करने के लिए आ रहे दोस्तों। अब अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स, इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन को देखकर प्राइस को अगर जस्टिफाई करते हुए प्राइस को अगर हम देखें तो टेक्नो पोवा 2 लगभग यही 24,000 तक आया पाकिस्तान में, शायद ये तकरीबन 28 या 29 या 30 हज़ार के अराउंड पाकिस्तान में आ सकता है टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन। रही बात लॉन्चिंग दोस्तों, तो शायद ये जुलाई के महीने में आ सकता है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत ही क्लियर और बहुत ही तबाही का स्मार्टफोन आ रहेगा दोस्तों टेक्नो पोवा 2। वेट जरूर कीजिएगा अगर आप टेक्नो के फैन है तो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद है उसे लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। तब तक के लिए बाय हाफिज़ को याद कीजिएगा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर पाकिस्तान, जिंदाबाद।